बिनय न मानत जलद जड़ गए तीन दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। जी हाँ साथियों, ये लाइनें हमने क्यों बोला उसको बाद में बताएंगे, पहले हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा चल रहा था इस समय। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो चुका है और हम युगपत समीकरण पर आ चुके हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ पर। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 23 नवंबर को बहुत बड़ा आपके लिए सरप्राइज आने वाला है, क्योंकि आपकी जीरो लेवल बेसिक मैथ जो सबसे चहेती क्लास है बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। यूट्यूब पर आपको एक सिस्टम से सारी क्लास मिलेंगी और टोटल फ्री मिलेंगी, एक भी पैसा का पेमेंट नहीं करना है, सब कुछ मिलेगा यूट्यूब पर। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना है, घंटी की बटन को बजाना है और बस देखते रहना है। चलिए युगपत समीकरण किसे कहते हैं पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। जो समीकरण a1x plus b1y plus c1 equal 0 के रूप के होते हैं वो युगपत समीकरण कहलाते हैं। इनकी खासियत क्या होती है, इनकी खासियत ये होती है कि इसमें एक एक किसके साथ, चर पद के साथ जो है एक एक अचर पद लगे होते हैं, और जो राशियां अज्ञात होती हैं उसमें दो अज्ञात राशियां होती हैं, एक यक्स होता है एक वाई होता है। आपने देखा होगा रैखिक समीकरण उसमें ऐसा नहीं था, उसमें केवल एक्स ही यक्स था। बात समझ रहे ना, उसमें एक्स ही एक्स था या वाई ही वाई था, मतलब एक्स वाई नहीं था, लेकिन इसमें दोनों अलग अलग होंगे, एक एक्स एक वाई। इसमें ज़्यादा ना समझ में आएगा, फिलहाल आपको अभी एग्जांपल दिखाते हैं तब आप समझेंगे अच्छे से। चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं आगे। तो आज हम आपको यही बताने वाले थे साथियों कि ये जो लाइनें मैंने बोला शुरू शुरू में इसका मतलब क्या था उसको हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए, कुछ आगे बढ़ते हैं तब वैसे बातचीत भी थोड़ा थोड़ा होती रहेगी। वैसे तो मैंने क्लास में बात करना बंद कर दिया है। हाँ, तो पहला जो क्वेश्चन है एक्स प्लस टू आई और टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस टू आई और टू एक्स प्लस वाई, ऐसे ही तो है ना। इसको क्या करना है, इसको जो करना है वो बाद में करिएगा, पहले इसको देखिए ये क्या है, युगपत समीकरण है। युगपत समीकरण के ये रूप हैं, इसी तरह से आपको मिलेंगे ठीक ना। लेकिन इसमें बराबर करके भी कुछ लिखा है यार, उसको भी लिख लो। 7 है इसमें, इसमें क्या है 5 है, हाँ नहीं तो ये समीकरण बनेगा ही कहाँ। ये समीकरण एक बन गया, समीकरण दो बन गया। मित्रों, इसको हल करने की कई विधियाँ हैं जिसमें हम आपको मुख्यतः बताएंगे जो आपके एग्जाम में पाठ्यक्रम में है 10th क्लास 8 तक, जिसमें पहला है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है प्रतिस्थापन के बाद जो विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हम आपको दोनों विधि से बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, इसमें किसी भी एक राशि का मान एक समीकरण से लेकर के दूसरे समीकरण में रख देते हैं, उस तरह से वहाँ पर दोनों राशियों में से, दोनों अज्ञात राशियों में से एक अज्ञात राशि का मान पूरी तरह से आ जाता है और फिर उसकी सहायता से दूसरा आ जाता है। चलिए देखते हैं कैसे और क्यों। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, समीकरण दो दिए गए हैं, हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से पहले, प्रतिस्थापन विधि से युगपत समीकरण, या फिर इसका दूसरा नाम भी है दो अज्ञात राशि वाले समीकरण का हल करना। समीकरण एक से हम इसको लिख सकते हैं यक्स इक्वल 7 माइनस 2 आई, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। ये हो गया समीकरण 3। कैसे किया मैंने, x को ऐसे रहने दिया और ये 2i जो है उधर साइड बराबर के भेज दिया, तो 7 माइनस 2 आई हो गया। इतना बात पक्की हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है आगे देखते जाना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। समीकरण एक में दो का युगपत समीकरण है, मतलब समीकरण एक तथा समीकरण दो जो है युगपत समीकरण है। देखने दीजिए, मैंने कुछ इसमें जानकारियाँ जुटा के भी रखा हुआ है। हाँ, एक बात ये भी है, अगर समीकरण एक से प्राप्त यक्स का मान समीकरण दो को संतुष्ट करता है,
तो वो पक्का युगपत समीकरण होगा, ठीक। और जैसा कि पहले कहा गया है, युगपत समीकरण है, उसकी पहचान भी मैंने बता दिया। इसका मतलब जो समीकरण एक में एक्स का मान आया है वो समीकरण दो को सेटिस्फाइड करेगा, तो इसमें आप इसको रख सकते हैं, ठीक ना। ऐसे लिखेंगे, समीकरण तीन से एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक ना। चलिए, समीकरण तीन से, तीन कहाँ है, ये एक्स का मान दो में रखने पर, समीकरण ये दो है 2x + y = 7। तो मित्रों 2x की वैल्यू अगर देखेंगे तो हम 7 - 2y है और ये प्लस वाई है इक्वल 7, ठीक। इसी को तो करना है ना आगे, अब कहाँ ज़्यादा टेंशन की बात है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, चलना साथ साथ। ये 2y माइनस क्या हो जाएगा, पहले 7 में करोगे 14 हो जाएगा, माइनस 4y, ये हो जाएगा 14 - 4y और प्लस का वाई और इक्वल 7। हाँ यही तो बनेगा ना, और कुछ बनेगा का नहीं। चलिए आगे चलते हैं, तो मिलेगा क्या, वाई का मान मिलेगा, ये प्लस माइनस घट जाएगा, और घटेगा तो क्या आएगा पता है आपको, क्या आएगा, 4y से अगर आप 1y घटाओगे तो क्या आएगा, 3y आएगा। तो ये 14 - 3y = 7, यानी कि माइनस का 3y = 7 - 14, और y = आएगा, घटाओगे इसको उल्टा घटेगा, तो 7 से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, ओ सॉरी 14 ही तो है ना, हाँ। तो ये माइनस का 7 आएगा और ये माइनस का 3 इसके नीचे चला जाएगा, यानी कुल मिला करके आपको यार y का मान आ रहा है लेकिन कुछ गलत आ रहा है क्या, उधर साइड में 5 था क्या बराबर में, एक मिनट, x + 2y = 7 और 2x + y = 5 था यहाँ पर। देखिए इससे टेंशन मत लेना, यहाँ पर अगर 7 है तो आप 7 रख के भी निकाल सकते हो, कुछ दूसरे उत्तर आएंगे बस। चलिए हम नहीं बदलेंगे, जाने दीजिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे बाद में काट पीट कर दे रहे हैं, गड़बड़ हो जा रहा, जाने दीजिए, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई कितना, 7/3, लेकिन जो क्वेश्चन हमने चुना था उसमें यहाँ y बराबर में 5 दिया था, अगर आप 5 रख देते तो वहाँ y का मान 7/3 नहीं आता बल्कि 3 हो जाता केवल बस। लेकिन उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको केवल नियम सीखना है, तरीका सीखना है, गिनती से कोई मतलब नहीं है, बात समझ रहे हो ना। जैसे अगर आप गाड़ी चलाना जान गए हैं, तो अगर आप कार चला रहे हैं, बोलेरो चला रहे हैं या स्कॉर्पियो फॉर्चूनर कोई भी चलाएंगे तो सब एक ही जैसे चला लेंगे, बात समझ गए ना। लेकिन आपको पहले फोर व्हीलर सीखना पड़ेगा ना, बस वैसे ही। तो ये तो y का मान हो गया, अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में, किसी में भी रख दीजिए, समीकरण एक में रख देते हैं। चलिए इतना उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तुरंत करिए, जल्दी करिए, हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो मित्रों हमें क्या मिलेगा, जो मिलेगा आपके सामने होगा x + 2y का मान है 7/3 = 7, यही था ना, ओके। एक्स प्लस ये हो जाएगा 2 × 14/3, ये हो जाएगा 7, तो यक्स बराबर हो जाएगा 7 - 14/3 और यक्स बराबर ये 7 × 21 - 14 और ये 3, तो यक्स बराबर कटाओगे 6 × 7/3। यार ये तो संयोग बड़ा अच्छा है, दोनों को मान उतना आ रहा है ना, एक्स और वाई दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये समीकरण हमारा गलत है कि सही है, गलत है कि सही है, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, अगर सही है तो हम सिद्ध कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। चलिए सिद्ध करते हैं, इतना आप लिख लिए ना, आप जो x और y के मान आए हैं
उनको आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, अगर वो मान सही हैं तो आपका दोनों पक्ष बराबर आएगा, LHS बराबर RHS आएगा। तो हम समीकरण एक से ही सारा प्रक्रिया क्यों करें, समीकरण दो का भी प्रयोग करते हैं और इनको समानता का अधिकार देते हैं, है ना, भारतीय संविधान में मिला हुआ है ना, आप जानते हैं। चलिए तो इक्वेशन नंबर सेकेंड आप लिखिए कॉपी में, और इन बातों को अगर आपने अभी तक नहीं लिखा था तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके नोट कर लीजिए। उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत कर लें, अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को तुरंत लाइक करें, ठीक ना। हमारे जो यक्स के वैल्यू आए थे और वाई के वैल्यू आए थे, दोनों बराबर थे। समीकरण टू है 2x प्लस वाई इक्वल 7, हम यही लेके हल किए थे ना, पीछे देख लो यही लिखा है ना। दोनों का मान इसमें रखिए, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 × 7/3 और प्लस ये हो जाएगा 7/3 = 7। चलो हल कर देते हैं फटाफट, देखते हैं क्या होता है। 2 और आपने पढ़ा होगा क्या बोलते हैं उसे, बोर्ड मास रूल पढ़ा है ना, उसमें पहले गुणा करते हैं बाद में जोड़ते हैं, तो पहले आप इसको गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 214/3 और धन ये 7/3 = 7। और इस तरह से साथियों नीचे नीचे सब बराबर है ना, बराबर है ना, ऊपर ऊपर जोड़ोगे तो 21/3 = 7 आएगा और ये 7/7 क्योंकि कट जाएगा ना। इस तरह से यहाँ पर आप देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं ना, हमने तो ऊपर LHS RHS नहीं लिखा था, लेकिन अब लिख लो, ये दाहिना साइड है RHS है और ये है LHS, नीचे यहाँ लिख दो LHS इक्वल RHS, अतः दिया गया हल बिल्कुल सही है। बात समझ गए ना, इसमें किसी को आंसर नहीं चेक कराना है कि हमारा गलत है कि सही है, आप खुद से मास्टर बन सकते हो, चेक कर सकते हो गलत है कि सही है। कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बड़े कदम ना रुके कभी, झंडा ये ना झुके कभी, सुना है ना, तो बिल्कुल नहीं रुकना और झुकना भी नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने हम दिखा रहे हैं वो क्या है, इसी मेथड से आप लोग करिएगा अगर दे दें तो, जैसे हमने बताया है ऐसे आप करिएगा। लिखिए एग्जांपल एक्स प्लस वाई, एक मिनट अभी रुके रहना, देखने दो नहीं तो कुछ मैं लिख दूं दूसरा और आप लोग छाप लो फट से तो गड़बड़ हो जाएगा। 2x - y, कृपया उचित दूरी बनाए रखें, देखा है ना ट्रकों में लिखा होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लिखा होता है उचित दूरी बनाए रखें, मतलब लड़े ना जिससे, तो वैसे जब हम लिख दें तभी आप लिखिए, ये नहीं कि हमने एक लिखा तो आपने एक लिख लिया, हो गया ठीक है। इसको आप हल करना और बताना कमेंट करके कितना आता है, कौन सी विधि से करोगे, प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन हम इसको विलोपन विधि से करेंगे, किससे करेंगे, विलोपन विधि। देखो विलोपन का नाम ही सुन के विलोप हो गया ना, आपने सुना होगा शोक रस पढ़ा होगा हिंदी में, जो लोग हिंदी पढ़ते हैं, बाकी वीर रस, शोक रस, काव्य रस, बहुत प्रकार के रस होते हैं जो भी हैं, वो सब तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसमें एक था मणिखोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया नाय तुमने जगदीश, उसमें कुछ ऐसा ही था जहाँ पर विलोप करना और विलाप करना से संबंधित बातें बताई गई थी। इसका मतलब क्या होता है, विलोपन मतलब किसी चीज़ का लोप हो जाना, गायब हो जाना, जैसे ये मार्कर हमारे हाथ में है, इसको कोई लेके चला जाए या मैं कहीं भूल जाऊँ या छूट जाए, गायब हो जाए, तो ये क्या हो गया, विलोप हो गया, मतलब ये गायब हो गया। तो वैसे इसमें से क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का विलोप करते हैं, उसको गायब करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, इसमें जो दो अज्ञात राशियाँ दी गई हैं, अननोन क्वांटिटी, जैसे एक्स और वाई, उसमें से किसी एक को हम विलोप करेंगे, किसी एक को यहाँ से हटाएंगे, भगाएंगे, कैसे करेंगे वो तरीका होता है। देखिए हमारी कोशिश ये होती है, पहले तो हम समान समान राशियों की तुलना करते हैं, जो राशियाँ बराबर दिखती हैं, जैसे वाई है, वाई है मतलब इन दोनों का पलड़ा बराबर है, ये एक्स है 2x है, इन दोनों का पलड़ा आधा और दोगुना का है, चूँकि अकेले एक्स है वो 2x है, तो इन दोनों में से तो कोई विलोप नहीं होगा,
भाई लोहा से लोहा टकराता है तभी चिंगारी निकलती है ना। लकड़ी पे पीटोगे लोहा तो नहीं निकलेगी, लकड़ी कट जाएगी। तो बराबर बराबर का मुकाबला कराते हैं तभी ये ख़त्म हो जाते हैं, है ना, बात समझ रहे हो ना। अगर बराबर बराबर का लड़ाई नहीं होगी तो क्या होगा, जो कमज़ोर रहेगा हार जाएगा, जो बलवान रहेगा वो मार डालेगा उसको, जीत जाएगा। लेकिन अगर बराबर बराबर में टक्कर कराओगे तो हो सकता है दोनों मर जाएं, बात समझ रहे हो ना। हाँ हो सकता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आप एक लाइन लिख दीजिएगा, चूँकि वाई में गुणांक ऐसे कम सही रहेगा, चूँकि समीकरण एक तथा समीकरण दोनों में, समीकरण एक तथा समीकरण दो दोनों में y के गुणांक एक समान हैं तथा उनके चिन्ह अलग अलग हैं, ठीक ना। देखिए इसमें मैंने जो लिखा है क्या है, युगपत समीकरण एक एवं दो में y के गुणांक एक समान एवं चिन्ह विपरीत हैं, अतः समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, आप यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर ब्रेकेट में, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, सीधा सीधा जोड़ेंगे, चिन्ह नहीं बदलता जोड़ने पर, तो ये जुड़ जाएगा 3x और ये 15, इस तरह से x बराबर 15/3, यानी कि x की वैल्यू क्या आई, 5, बात समझ गए ना, कितना हो गया 5। तो ये x का मान आ गया, बाकी लिखने उखने ज़्यादा कोई मतलब नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं उपर्युक्त समीकरणों में y के गुणांक दोनों समीकरण में एक समान हैं तथा उनके चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए हम समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ेंगे, बस हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान समीकरण दो में रखने पर, क्योंकि अभी तक हम एक ही में रखते आए हैं, हाँ समीकरण दो में रखेंगे, तो समीकरण दो है हमारे सामने 2x-y=8, तो यक्स का मान 5 आया है, तो ये हो जाएगा 5, इस तरह से 10-y=8, तो y=8-10, तो y बराबर आएगा -2। देखो यक्स के भी मान आ गए, y का भी मान आ गया, अब कुछ गड़बड़ है कि क्या सही है क्या गलत है ये सब हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो कौन सा काम है मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने किया क्या है और था क्या। समीकरण एक x प्लस वाई था, समीकरण दो 2x-y=8 था, हम चेक कर रहे हैं दोबारा से कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये 3x हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। x का मान समीकरण दो में रखा हमने, 2x-y=8 था, तो x का मान हमारे पास 5 आया था, हमने रखा, ये हो गया 10। और एक बात देखो जो मिस्टेक वाली का थी, ये माइनस का वाई था ना, तो कहाँ भाग गया, ये माइनस वाई रहेगा, यानी कि माइनस का वाई बराबर इतना आएगा, तो -y=-2, यानी कि फाइनल में आप कह सकते हो कि वाई का मान जो है वो केवल 2 आएगा, है ना, दोनों तरफ माइनस है। तो ये हो गए एक्स और वाई के मान। अब आपको लग रहा है अगर ये समीकरण मैंने गलत लगाया है तो आप जांच करके देख लो, सत्यापित कर लो, चलिए करते हैं। एक्स और वाई के मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए दोनों मान, और दोनों बराबर ना आएगा तो कहना, चलिए रख देते हैं। देखिए एक्स का मान क्या आया था, 3 आया था ना, वाई का मान 2 आया है, चलिए रख देते हैं, जिसमें आप कहो उसी में रखें, समीकरण एक में रखें कि दो में। मिस्टर अमित कुमार, आशुतोष कुमार, रंजीत, अनुभव, बताइए। चलिए समीकरण हम किस में रखेंगे, अभी समीकरणों का हम पुनरुद्धार कर ले रहे हैं दोबारा से, एक्स तथा वाई के मान समीकरण एक में रखने पर, यहाँ पर हेडिंग लिख देना सत्यापन, क्योंकि आपके परीक्षा में कभी कभी पूछा भी जाता है कि दिए गए युगपत समीकरणों को हल कीजिए तथा एक्स और वाई के जो मान हैं उनको क्या करिए, रख करके सत्यापित कीजिए। तो चलिए हम सत्यापित भी कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, समीकरण एक है x+y=7, x का मान 5 आया था, आपने सभी लोगों ने देखा था, y का मान 2 आया था, देखो 7=7, नीचे आप लिख सकते हो LHS=RHS इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड,
अतः सिद्ध हुआ। तीन लैंग्वेज में बताया मैंने, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में। संस्कृत एक देववाणी है ना, तो यूज करिएगा इन तीनों में से जो भी आपके समझ में आए। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी नोट करिए फटाफट, बिल्कुल देर मत करिए, ज़्यादा सोच विचार मत किया करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, यहाँ पर सुपर फास्ट चल रही गाड़ी है ना। तो अब क्या करोगे, अब एक होमवर्क और दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, अगर आप इस क्लास को PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर देख रहे हैं तो आप उसे पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और PBR स्टडी ग्रुप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, PBR स्टडी ग्रुप, क्योंकि अगली क्लास उसी पर होने वाली है। किस पर? PBR स्टडी ग्रुप पर। और अगर PBR स्टडी ग्रुप पर देख रहे हैं तो PBR स्टडी इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें 1.5 लाख से अधिक स्टूडेंट इस समय जुड़ चुके हैं और उस पर बहुत सारी अनगिनत क्लासें होती हैं। अगर फेसबुक पर हैं तो लाइक करके पेज को फॉलो कर लें और होमवर्क लिख लें चुपचाप। दो विधि मैंने बता दिया है, दोनों विधि से ट्राई करना। अगर हल करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही अच्छे हो, नहीं करोगे तो फिर आप ज़्यादा अच्छे हो। और कोई चीज़ अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप समझ ही सकते हो क्या होता है, हद से भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है ना। इसको हल करना, दोनों विधि लगाना, दोनों मेथड से यूज करना, जो भी आएगा बताना। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, दोनों विधि लगाना और हल करके उत्तर कमेंट करना। और करोगे तो बहुत अच्छा बात है, नहीं करोगे तो फिर बहुत अच्छे हो आप लोग। हाँ, जो मैंने कहा था शुरू शुरू में, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय विन होए न प्रीत। इसको क्यों बोला था, इसको अन्यथा में मत लीजिएगा, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ही कहा था बहुत पहले, मैंने सुना है। तो इसका मतलब तो वहाँ पर कुछ और था, लेकिन हमारे कहने का मतलब उसी से संबंधित है कि जब प्रभु रामचंद्र जी ने 3 दिन तक समुद्र का अनुनय विनय किया था कि महाराज जी आप थोड़ा कम हो जाइए और हम समुद्र को पार करके लंका पहुँच जाएं, तो समुद्र बिल्कुल नहीं सुना। उसके बाद जब लक्ष्मण जी को क्रोध आया तो फिर क्या हुआ, उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को समझाया है ना, और बाद में फिर क्या हुआ, आपने समझा ही होगा। तो उसी तरह से साथियों, 23 नवंबर 2018 को हमने आप लोगों से बहुत सा अनुनय विनय किया था, लेकिन यहाँ पर हमने केवल अनुनय विनय ही किया था, बाकी कुछ नहीं। तो यही कहा था कि आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, कैमरा लेना है, मतलब आप लोग कुछ सहयोग करिए, लेकिन उसमें मैंने 7 दिन तक बोला तो कोई भी नहीं सुना। लेकिन 3 महान हस्तियाँ हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आज 1 साल का टाइम हो चुका है, 10 अक्टूबर 2018 को सबसे पहला जो पेमेंट किया था इसमें कैमरा लेने के उद्देश्य से सहयोग के लिए, उनका नाम है सी ओम सरोज जी, यूपी भदोही के रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पर कैमरा के सहयोग में 3 लोगों ने पेमेंट किया था जिसमें 450 रुपये आए थे। अब आप समझ सकते हैं 450 रुपये 3 लोग मिलकर के दिए थे, ठीक। दूसरा नाम था उसमें मोहम्मद आसिफ, जो कि गोरखपुर यूपी के रहने वाले हैं। तीसरे नंबर पर थे संपूर्णानंद सागर, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। इन 3 महान हस्तियों ने मिलाकर के 450 रुपये का जो भी पेमेंट किया, लेकिन बहुत महान दिल के हैं इन्होंने, बात को समझ करके जैसे ही हमने क्लास में बोला था अगले दिन पेमेंट किया था। लेकिन 450 रुपये में कोई कैमरा नहीं आने वाला है, मुझे फिर लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, गड़बड़ है। तब हमने ये बात जो अभी मैंने लाइन बोला था इससे रिलेटेड कुछ वर्क किया, वो क्या था, हमने ये कहा कि अब जो लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे वही पढ़ेंगे और जो नहीं ज्वाइन करेंगे वो जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मजबूरी थी। कहते हैं ना, दौड़ने के लिए पहले संभलना होता है, संभलने के बाद पहले चलना होता है, फिर दौड़ना होता है। तो उस समय हम ऐसी स्थिति में थे ना मित्रों कि पहले हम संभल भी नहीं सकते थे, तो संभलने के लिए हमने इस तरीके को अपनाया कि अब जो क्लास ज्वाइन करेगा वही देखेगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद 7 दिन के अंदर 4,500 रुपये का पेमेंट हुआ,
मतलब आप समझ सकते हैं कि जब मैंने अनुनय-विनय किया तो 450 का हुआ, और जब मैंने कहा कि अब भाई नहीं चलने वाला है तो 4,050 रुपये का पेमेंट हुआ, लगभग इतने का ही। तो मतलब यहाँ पर भय का मतलब क्या था? भय का मतलब ये था कि अब नहीं पेमेंट करेंगे तो क्लास नहीं मिलेगी, और इसलिए लोगों ने फटाफट ज्वाइन किया। और जिन लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया है उनके नाम हम अब आने वाले 23 नवंबर से हर एक क्लास में लगभग शामिल करेंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों के सहयोग से, चाहे उन्होंने क्लास ना मिलेगी इसके भय से ज्वाइन किया, मतलब कि हाँ भाई पेमेंट करेंगे तभी मिलेगी, या फिर उन्होंने अपने खुशी खुशी किया, उन्हीं लोगों के सहयोग से आज हम कह सकते हैं कि आपकी क्लास अब टोटल फ्री होगी यूट्यूब पर। आज प्रेजेंट टाइम में 1,20,000 के स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के साथ हम आपके सामने हैं, जिसमें आप जानते हैं कि आज डेट है 11/11/19। हाँ जी, 11/11/19, इसलिए हमने आपको अलाउंस सुबह सुबह कर दिया है कि अब आपकी सारी क्लास यूट्यूब पर बिल्कुल सिस्टम से मिलेंगी, एकदम फ्री मिलेंगी, एक भी रुपए का कोई पेमेंट नहीं करना है। जिन साथियों ने पेमेंट किया है, जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनके इस अमूल्य योगदान के लिए हम उनके आभारी रहेंगे। PVR स्टडी उनका अपना चैनल है, वो अपने सुझाव और अपने जो भी आदेश है वो बता सकते हैं। तो मित्रों बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अगली क्लास होगी आपकी सुबह 6 बजे से, उसको भी देखिएगा, और फिर उसके बाद 6:30 बजे से, 7 बजे से साइंस की क्लास होगी NTPC RRB, और सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, और 8 बजे से कक्षा 10 की 10th की NCERT मैथ होगी। हो सकता है आज कुछ व्यस्तता है, इसमें से कुछ क्लास ना चलें, जिसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी सभी क्लास आपको मिले। शाम के टाइम में जो भी क्लासें होती हैं उनको भी देखिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। साथियों बेल आइकन मतलब घंटी का निशान आता है सब्सक्राइब के बाद में, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको अगर नहीं ऑन करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। चलते हैं फिर, जय हिंद। अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा, बस थोड़ा ही देर बाद हम आपके सामने आ रहे हैं।